काला बाप गोरा बाप पति की बेवफाई के बाद जमीला और उसकी बेटियों के जीवन में आए बदलाव और बरसों बाद लौट के बुद्धू घर को आए यूनुस को अपनों के बीच अजनबी होने के एहसास पर पानी और पुल उलझन सन्नाटा जैसी रचनाओं के कथाकार महीप सिंह की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी कालिंदी बडोला हाथ में आपका स्वागत है मैं और आप हमेशा यहाँ इकट्ठा होते हैं और हिंदुस्तानी साहित्य का एक न एक चुनिंदा नगीना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अब ये सारी कहानियां बचपन से लेकर आज तक मेरी साथी रही हैं मेरे पिता विशमोहन बडोला की अपनी पर्सनल लाइब्रेरी का हिस्सा थी और अब मेरी लेगेसी, मेरी धरोहर और इसी धरोहर में से एक नगीना जो मैंने आपके लिए आज चुना है वो लिखा गया है महीप सिंह जी द्वारा महीप सिंह जी का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1930 को आज के पाकिस्तान के झेलम इलाके में लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन से पार्टीशन से बहुत पहले महीप सिंह जी का परिवार झेलम छोड़कर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास उन्नाव में आकर बस गया था अब महीप सिंह का परिवार था व्यवसायी मतलब बिजनेस में थे लेकिन महीप सिंह की एक ही जिद थी कि उनको अपने घर के व्यवसाय से नहीं जुड़ना उनकी दो ही आजुएं थी एक उनको लेखक बनना था और दूसरा गुरु गोबिंद सिंह जो सिखों के पूजनीय गुरु रहे हैं उनके काव्य पर उनकी पोएट्री पर उनको शोध करना था रिसर्च करना था पीएचडी करनी थी और महीप सिंह अपनी जिद में कायम रहे अपने बड़े भाइयों को चाहे उन्होंने स्कूल छोड़कर अपने व्यवसाय में बंधते देखा लेकिन अपने को ऐसा नहीं करने दिया और इसीलिए कानपुर में उन्होंने एमए की पढ़ाई करी और मुंबई के खालसा कॉलेज में 10 साल तक पढ़ाया और दिल्ली के खालसा कॉलेज में 30 साल तक अध्यापन किया तो इसी अध्यापन के चलते हुए उन्होंने 110 से ऊपर कहानियां भी लिखी सात साल के अपने राइटिंग करियर में एक जो उनकी कहानी काफ़ी खास मानी जाती है उसका नाम है काला बाप गोरा बाप जो आज मैं आपके लिए चुनकर लाई हूं अब कालाबाप गोराबाप दरअसल एक ऐसे परिवार के एक मुस्लिम परिवार की कहानी है जहाँ यूसुफ जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ जमीला और दो छोटी बच्चियों के साथ रहता है अब जमीला की जिंदगी जो है वो बिल्कुल अपने घर की चार दीवारी तक सीमित थी भाई जो यूसुफ ने बोला वही सत्यवचन और वही पत्थर की लकीर लेकिन जैसे होता ही है घर की मुर्गी दाल बराबर तो यूसुफ का मन जो है अपनी इस लाइफ से उकता गया और उसने कर ली दूसरी शादी और जमीला और उसकी दो छोटी बच्चियां बस किसी तरीके से बदहाली के जीवन में गुजर बसर कर रहे थे लेकिन जमीला ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और कैसे उसने अपनी जिंदगी आगे बनाई और एक वक्त आया कि यूसुफ जब उसकी जिंदगी में वापस आना चाहता था तो आगे 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 क्या कुछ हुआ बच्चों का क्या रिएक्शन हुआ जमीला का क्या रिएक्शन हुआ कुछ यही सार है आज की कहानी काला बाप बाप काला बाप गोरा बाप

और वो पत्र पढ़ती गई पढ़ चुकने के बाद कुछ देर वो बैठी कुछ सोचती रही फिर कलम दवात उठाकर उसका जवाब लिखने बैठ गई समझ में नहीं आता कि तुम्हारे लिए क्या लिखकर खत का आगाज करूं तुमने मेरी जमीला लिखा है एक जमाना था जब तुम मेरी जमीला लिखते थे और मैं जवाब में मेरे सिरताज लिखा करती थी पर आज मेरी जमीला लिखने का हक न तुम्हारे पास है ना मेरे सिरताज लिखने का हक मेरे पास खैर मैं बिना किसी लकब के ये खत तुम्हें लिख रही हूं सचमुच तुम्हारा खत पाकर मैं हैरान रह गई वो दस साल के बाद तुम्हें मेरी और मेरे बच्चों की याद कैसे आ गई लगता है सकीना बीबी से भी तुम्हारा दिल भर गया है पर तुम्हें काहे की फिक्र है अब तीसरी बीवी ले आओ आखिर मर्द हो ना बिना तीन चार बीवियां रखे तुम्हारी मर्दानगी का सबूत कैसे मिलेगा तुमने लिखा है कि तुम एक बार मुझसे मिलना चाहते हो अपनी लड़कियों को देखना चाहते हो वैसे मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं पर मैं समझती हूं कि हमसे मिलकर तुम्हें खुशी नहीं होगी जिस हालत में तुम दस साल पहले हमें दिल्ली में बेसहारा छोड़कर सकीना के साथ ऐश की जिंदगी गुजारने ग्वालियर चले गए थे आज हमारी हालत उससे बरक्स है तुम्हारी शीरीन अब सोलह साल की खूबसूरत लड़की है वो फिल्मों में काम करती है नाचती है गाती है और पर्दा नाम को नहीं करती मुझे यकीन है कि तुम उसका ये रूप देखकर घबरा जाओगे और फिर उससे मिलने के लिए घर पर जाने कितने मर्द रोज आते हैं तरह तरह के प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों में उसे लेने के लिए पहले तरह तरह से उसका इम्तिहान लेते हैं और अखबार नवीज हर पोज की उसकी तस्वीर उतारते हैं क्योंकि एक फिल्म स्टार की पब्लिसिटी के लिए ये सब बहुत जरूरी है क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर पाओगे और हाँ शीरीन का फिल्मी नाम है कामिनी बोस वो तो तुम जानते होगे कि यहाँ फिल्मों में हिंदू नाम रखने का रिवाज है और अब तो नाम के साथ हिंदू जात भी लगाई जाती है और शहनाज जिसे तुम दुदमुही छोड़ गए थे अब 11 साल की हो गई है स्कूल में पढ़ती भी है और सरजू महाराज से डांस सीखती है बात करने में बड़ों बड़ों के कान काटती है दो चार पिक्चरों में छोटे मोटे रोल भी कर चुकी है लोग कहते हैं एक दिन वो बहुत चमकता सितारा बनेगी और रही मेरी बात तो मुझे देखकर तो तुम पहचान भी नहीं पाओगे तुम्हारी जमीला पराए मर्द की छाया भी नहीं देखती थी बुरके के बगैर घर से बाहर पांव भी नहीं निकालती थी और उसके मुंह में जबान है ये तो तुम भी नहीं जानते थे लेकिन आज वो ऐसा बनाव श्रंगार करती है कि उसकी ढलती हुई उम्र भी धोखा खा जाती है शीरीन के साथ स्टूडियो जाती है पर्दा उसके लिए गुजरे जमाने की बात बन चुकी है तुम शायद जानते नहीं कि फिल्म लाइन में बड़े बड़े घाघ हैं पर तुम्हारी बेजुबान जमीला अब बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के भी कान पूछ काट लेती है और आखिर में मैं तुम्हें बताती हूं अनवर की मासूम जमीला को जब तुम दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए तब यही अनवर उसका सहारा बना वो गोरा खूबसूरत जवान था पर जिंदगी से नाउम्मीद कई साल से वो बम्बई की फिल्म लाइन में अपनी किस्मत आजमा रहा था लेकिन कामयाबी उससे कोसों दूर रही उन दिनों वो किसी काम से दिल्ली आया मेरी उससे मुलाकात हो गई उसे मेरे हालात मालूम हुए और उसने मुझसे शादी की पेशकश की उस वक्त मुझे ताजुब हुआ था कि ऐसा खूबसूरत नौजवान भला मुझ जैसी बेसहारा दो बेटियों वाली औरत को सहारा देने को क्यों तैयार है मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं समझ गई हिंदुस्तान में लोग लड़कियों को मुसीबत समझते हैं खासतौर से बेबाप की लड़कियां तो फूटी आंखों नहीं सुहाती लेकिन अनवर की तजुर्बेकार निगाहें जानती थी कि फिल्म लाइन में यही लड़कियां सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों में बदली जा सकती हैं मुझे अपनाने की शायद उसकी यही वजह हो और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ है आज वो शीरीन और शहनाज जैसी लड़कियों का बाप है जो आज सैकड़ों कमाती हैं कल हजारों कमाएंगी खुदा ने चाहा तो उनका पांव लाखों में भी पड़ेगा लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि अनवर ने चाहे जिस खुदगर्जी की वजह से मुझसे शादी की हो वो कभी निराख खुदकर्ज नहीं रहा शीरीन और शहनाज को वो अपनी बेटियों की तरह प्यार करता है और दोनों लड़कियां उसे ही अपना बाप समझती हैं और अभी कुल छह महीने पहले मैं उसके एक बेटे की मां बनी हूं इतनी सब बातें सुनकर भी क्या तुम यहां आना चाहोगे अगर आना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन एक बात तुम्हें जरूर बता दू तुम्हारी लड़कियों पर मैं ये जाहिर नहीं होने दूंगी कि तुम उनके बाप हो और क्या लिखो किसी जमाने की तुम्हारी जमीला खत लिखकर जमीला बेफिक्र हो गई ऐसा खत पाकर भी यूनुस उसे या उसकी लड़कियों को मिलने आ सकता है इस बात की उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी मगर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने एक हफ्ते के बाद देखा दस साल पहले के यूनुस की हल्की हल्की पहचान बताने वाला काला बीमार और बूढ़ा सा आदमी उसके दरवाजे पर खड़ा है उस समय जमीला घर में अकेली ही थी अनवर शीरीन को लेकर शूटिंग पर गया था और शहनाज स्कूल गई हुई थी नहा धोकर यूनुस बैठक में आ बैठा उसकी निगाहों ने एक एक करके कमरे की हर चीज को नापा सोफा सेट रेशमी पर्दे रेडियो फूलदान और तरह तरह की चीजें थी वहां जिन्हें उसने बड़े लोगों की दुनिया का अंग मानकर कभी अपनी कल्पना में प्रविष्ट भी नहीं होने दिया था फिर वो उठकर दीवारों पर लगे चित्रों को देखने लगा एक बड़ी खूबसूरत से लगने वाली लड़की की कई तस्वीरें वहां लगी हुई थी एक तस्वीर में उसके बालों को काली घटा के रूप में बिखराया गया था और उसमें से उस लड़की का चेहरा सचमुच चांद सा दिखाई दे रहा था दूसरी तस्वीर में वो एक कसी हुई पैंट और आधी आस्तीन की कमीज पहने हंसती हुई किसी अंग्रेजी डांस का पोज बना रही थी तस्वीर में उसका अंग अंग उभरा हुआ नजर आ रहा था तीसरी तस्वीर में वो जमीन पर कुहनियां टिकाकर बैठी थी बाल छितरे हुए थे और भीगी हुई आंखों से आंसू ढुलक कर कालों पर आटके थे पहचानते हो ये किसकी तस्वीरें हैं पीछे से जमीला ने मेज पर चाय रखते हुए पूछा यूनुस ने उसकी ओर देखा और चुप रहा शायद उसने अपनी चुप्पी से बताया कि ये तस्वीरें किसकी हैं ये जानकर उसे अधिक आश्चर्य नहीं होगा पहचान सकते हो अपनी शिरीन को जमीला ने फिर पूछा और यूनुस फिर चुप रहा जैसे उसने कहा ये उसकी कल्पना की परे की चीज नहीं है उसने एक निगाह से फिर तस्वीरों को देखा और बैठकर चाय पीने लगा शाम को शहनाज स्कूल से आई तो यूनुस सोफे पर टांग फैलाए बीड़ी पी रहा था वो उसे घूरती हुई मां के कमरे में चली गई और बोली अम्मी कौन है बूढ़ा बीड़ी की राख से फर्श खराब कर रहा है जमीला ने शहनाज को एक नजर देखा फिर बोली अपने मेहमान है बेटा हाँ देखो आश्रे यही कहीं इधर उधर रखी होगी उठाकर उनके पास रखाओ शहनाज ने ट्रे यूनुस के सामने रख दी और बिना कुछ भी बोले घूरती हुई वापस चली गई यूनुस ललचाई आंखों से उसे देखता रहा फिर शिरीन आई और अनवर भी यूनुस ने देखा ये वही लड़की है जिसकी इतनी सारी तस्वीरें कमरे में लगी हुई हैं फिर उसकी आंखों में पांच छह साल की वो शिरीन दौड़ने लगी जो गंदी सी फ्रॉक पहने अब्बा कहकर उसके पैरों से लिपट जाया करती थी क्या ये वही शिरीन है उसकी बेटी शिरीन वो उसके कुछ गज के फासले पर थी परंतु यूनुस को लग रहा था ये फासला कुछ गजों का नहीं है ये तो केवल एक फासला है ऐसा फासला जिसे नापने के लिए गजमील कुछ बने ही नहीं हैं। जमीला ने सबसे कह दिया वो उसका दूर का रिश्तेदार है और ग्वालियर से आया है रात को खाना खाते समय खूब हंसी ठट्टा हुआ स्टूडियो की बातें शूटिंग की बातें प्रोड्यूसर की बातें इतनी बातें कि सारा वातावरण बातों के जल से भर गया जिसमें अनवर और जमीला शिरीन और शहनाज छोटी छोटी डोंगियों की तरह उतराने लगे हिलोरे लेने लगे और यूनोस उस जल में भारी पत्थर की तरह डूब गया किसी को पता नहीं लगा कि इन थिरकती हुई कश्तियों के नीचे कोई पत्थर भी है रात को जमीला ने उसके सोने का प्रबंध बैठक में कर दिया यूनुस चारपाई पर लेटा शीरीन की तस्वीरें देखता रहा वो सोचता रहा कितनी खूबसूरत है शीरीन कितनी प्यारी लगती है शहनाज लेकिन ये उसकी बेटियां नहीं है उसकी एक बेटी थी गंदे फ्रॉक वाली सावली सी जिसके बाल हमेशा मिट्टी से भरे रहते थे और जो उसे देखते ही अब्बा कहकर लिपट जाती थी उसकी शहनाज एक टूटे से पालने में पड़ी रहती थी इन फूलों की तरह खिली हुई लड़कियों का वो बाप नहीं हो सकता इनका बाप तो अनवर ही है वो गोरा तंदुरुस्त और रईस मालूम होने वाला अनवर शीरीन और शहनाज ने उससे एक भी बात नहीं की यूनुस ने कई बार उनसे बोलना चाहा कुछ बात करनी चाहिए पर वो चिकनी मछलियों की तरह हाथ से फिसलती रही और यूनुस उन्हें हाथ से छूटे हुए गैस के गुब्बारों की तरह देखता रहा दस साल पहले उसके छोटे से घर में यही जमीला यही शीदीन और शहनाज थी पर घर की एक एक चीज एक एक बात एक एक सांस तक उसके साथ बंधी हुई थी आज इस घर में वो है जमीला है शिरीन है और शहनाज है पर बंधनों का एक धागा भी उनके चारों ओर नहीं है अम्मी वो बूढ़ा फिर फर्श खराब कर रहा है शहनाज जमीला से बोली एश्ट पास रखी है फिर भी उसकी बीड़ी की राख फर्श पर गिर रही है जमीला को शहनाज की बात थोड़ी चुभी बेटी मेहमान के लिए ऐसा नहीं कहते कोई बात नहीं फर्श साफ हो जाएगा शिरीन स्टूडियो के लिए जाने के लिए तैयार हो चुकी थी बैठक में आकर अलमारी से उसने चूड़ियों का एक डब्बा निकाला और अपनी साड़ी को मैच करने वाली चूड़ियां छांटने लगी यूनुस बैठा उसे एक दब देखता रहा उसकी इच्छा हुई वो शिरीन को बेटी कहकर बुलाए उसको अपने पास बैठा ले उससे कुछ बातचीत करे लेकिन उसे लगा ये काम बहुत मुश्किल है उतना ही मुश्किल जितना किसी अदना सिपाही का किसी शहजादी को बुलाना वो बैठा साहस संजोता रहा इतने में शिरीन चूड़ियां पहनकर मुड़ी यूनुस उसे एक टक देख रहा था शिरीन की नजरें उसकी नजर से मिली यूनुस की आंखों में वात्सल्य की तरलता उमड़ आई शायद इस तरलता का कुछ आभास शिरीन को भी हुआ और वो मुस्कुरा दी शिरीन की मुस्कुराहट यूनुस की नस नस में बिजली बनकर दौड़ गई अप्रत्याशित सौगात पाकर उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा उस झुरियों भरे चेहरे पर आनंद की रेखा बिखर गई उसके मुंह से निकल पड़ा सुबह सुबह कहां जाने को तैयार हो गई बेटी और फिर एक घबराहट उसके चेहरे पर फैल गई उसे लगा उसने बहुत बड़ी बात कह दी है शीरीन उसी तरह मुस्कुराती हुई बोली शूटिंग पर जा रही हूं और वो कमरे से बाहर निकल गई यूनुस को लगा गहरी प्यास में ठंडे पानी की कुछ बूंदे उसके मुंह में गिर गई हैं। वो उठा और कमरे में इधर उधर टहलने लगा फिर वो शीरीन की एक तस्वीर के सामने रुककर उसे देखने लगा वहां से हटकर वो दूसरी तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ फिर वो कितनी देर तीसरी को देखता रहा तीसरी तस्वीर देख चुका तो फिर पहली के सामने आ खड़ा हुआ फिर दूसरी फिर तीसरी उसने तस्वीरों के कितने ही चक्कर लगा डाले उसे लगा ठंडे पानी की बूंदों का स्वाद उसके मुंह में बढ़ गया है फिर वो अलमारी के पास जाकर खड़ा हुआ अलमारी के ऊपर कुछ किताबें रखी हुई थी वो उन्हें उठाकर देखने लगा किताबों पर शहनाज का नाम लिखा हुआ था वो सोफे पर बैठकर उनके पन्ने उलटने लगा मेरी किताबें क्यों उठाई यूनुस ने चौंक कर देखा सामने गुस्से से लाल पीली शहनाज खड़ी थी अम्मी देखो ना ये बुढ़्ढा मेरी किताबें खराब कर रहा है शहनाज रुआसी होकर मां के कमरे की ओर देखती हुई चिल्लाई अरे क्या है कहती हुई जमीला उस कमरे में आ गई यूनुस हक्का बक्का सा देख रहा था शहनाज रोनी आवाज में उसी तरह बोली जा रही थी देखो ना ये बुढ़्ढा चुप बदतमीज जमीला फट सी पड़ी अपने बाप को ऐसा कहते शर्म नहीं आती बाप शब्द जैसे सारे कमरे में कड़कती हुई बिजली की तरह कौंद गया जमीला की जैसे सुदबुद ही मारी गई उसके मुंह से क्या निकल गया यूनुस को लगा कहीं इसे उड़ता हुआ एक शब्द आया उसके कानों से टकराया और उसे अनिश्चय के सागर में डुबो कर कहीं चला गया और शहनाज हक्की बक्की सी टुकुर टुकुर सी देख रही थी कभी जमीला को कभी यूनुस को फिर उसने एक नजर भरकर यूनुस को देखा और जमीला से बोली ये मेरा बाप है जमीला संयत हो चुकी थी उसकी आंखों में नमी सी व्याप गई थी बोली हां बेटी ये तेरा बाप है शहनाज ने एक बार फिर यूनुस की ओर देखा और फिर मचल से उठी नहीं नहीं ये बाप मैं नहीं लूंगी नहीं लूंगी हां जमीला ने डांटा पागल हुई है शहनाज और मछली मैं ये बाप नहीं लूंगी आप शिरीन को गोरा बाप देती है अनीस को गोरा बाप देती है और मुझे काला बाप देती है ये, ये काला बाप नहीं लूंगी मैं नहीं लूंगी और वो इस तरह फपक फपक कर रोने लगी जैसे उसे उसके भाई बहन की तुलना में एक बड़ा घटिया खिलौना दिया जा रहा है उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है उसने यूनुस के हाथों से अपनी किताबें छीन ली और रोती हुई कमरे से निकल गई कमरे की हवा का बोझ पड़कर जमीला और यूनुस पर हावी हो गया वे सुन्न से हो गए और फिर जमीला चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई पर दोनों में कोई कुछ नहीं बोला और वो कितनी देर तक ऐसे ही बैठे रहे ग्वालियर जाने के लिए गाड़ी कितने बजे मिलती है यूनुस ने आखिरकार पूछा पंजाब मेल तो करीब तीन बजे जाती है और पठानकोट शायद रात को दस बजे चलती है जमीला का संक्षिप्त सा उत्तर था फिर दोनों की नजरें एक साथ कमरे में लगी घड़ी की ओर उठ गईं। सवा दस बजे थे घड़ी से हटकर दोनों नजरों ने एक दूसरे को देखा यूनुस की नजर ने कहा मुझे पंजाब मेल मिल सकती है जमीला की नजर ने कहा तुम्हें पंजाब मेल मिल सकती है कालिंदी बडोला हाथ में आज मैंने ऑडियो स्टोरी के रूप में आपके लिए चुनी कहानी महीप सिंह की लिखी काला बाप गोरा बाप अब अगर आपको लगता है कि काला बाप गोरा बाप सिर्फ कहानी है एक ऐसी जमीला की जिसने अपने पर्दे को और अपनी चार दीवारी के भीतर की जिंदगी को तिरस्कार दिया और फिल्मी दुनिया की स्वच्छंदता और रंगीनियों में रच बस गई तो कहीं ना कहीं ये तो ज्याद्ती हो जाएगी है कि नहीं क्योंकि जहां तक जमीला की बात है जब तक वो यूसुफ के साथ थी तो वो घर की चारदीवारी में थी पर्दे में थी बुरके में थी वो जिस हाल रख रहा था वैसे रह रही थी लेकिन वो यूनुस ही था जिसको लगा कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर उसका जी उठ गया जमीला और अपनी दोनों बच्चियों से तो उसने सकीना के साथ दूसरी शादी रचा ली और दूसरे शहर ग्वालियर जाकर बस गया अब ऐसे में अगर जमीला और उसकी बेटियां तंगहाली में रहती और परेशान रहती विक्टमाइज रहती तो शायद उनको बड़ा संस्कारी कहा जाता कि हाय हाय देखो कैसे हाल हुए लेकिन जमीला ने कमर कस के तैयार किया अपने को और अपनी बेटियों और अपनी जिंदगी को सवारा। यहां तक कि एक नए इंसान अनवर को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दी तो भाई ऐसे में वो क्या रंगीनियों में रचपस गई नहीं उसने सिर्फ अपनी जिंदगी को थोड़ा सवारा और जहाँ तक यूनुस की बात है भाई दस साल में जब जिंदगी ने हिचकोले दे दिए थपेड़े दे दिए तो वापस लौट के बुद्धू घर को आए और फिर वो चाहे कि जमीला और उसकी बेटियाँ उसको घर में मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली का स्टेटस होता है वो वापस दे दे तो ऐसा कैसे हो सकता है वो बच्चे जिनकी जिंदगी में यूनुस का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा वो उसको अपना बाप मान ले ये कैसे हो सकता है अब मैं कह तो रही हूं कैसे हो सकता है लेकिन बहुत सारे घरों में शायद ऐसा होता भी है अभी भी खैर ये सारी बातें आपको कैसी लग रही हैं कहानियां ये सब मुझे तभी पता चलेगा जब आप मुझे मेरी कहानी पर अपने कमेंट्स जरूर भेजेंगे और साथ ही साथ कालिंदी बडोला यूट्यूब पर मेरा चैनल है उसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए उस पर बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए अपने कमेंट्स तो छोड़ने ही हैं और साथ ही साथ मेरे लिंक्स को शेयर कीजिए फेसबुक पर मेरी आईडी है कालिंदी बडोला और इंस्टाग्राम पर कालिंदी तो भाई सभी जगह मेरे साथ बने रहिए और आगे 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 मेरी कहानियों को शेयर कीजिए तभी तो मेरी कहानी दूर त जाएगी

अपनों के बीच अजनबी होने के एहसास पर पानी और पुल उलझन सन्नाटा जैसी रचनाओं के कथाकार महीप सिंह की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी